फायरिंग किया, ये फायरिंग कर दिया तुरंत। हाँ हाँ ये लड़का वही फायरिंग किया। हाँ 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 उसी में पिटा जाता। हाँ 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 ये गोली लोड कर रहा था। हाँ उसी में गिर गया ना, उसी में मार दिया। हाँ उसी में मार दिया। 288 मारा, चाहता तो मार सकता। अगर पिछले लेके मारा गोली तो लोगों को भाग चल गया, गोली मार कर देखो। हाँ चाहता तो मार सकता, यही मारा गोली, यही छोड़। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर नालंदा जिले से निकलकर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के नाला रोड में उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब बदमाशों ने अपेक्स कोचिंग सेंटर पर बम मार दिया। जी हां, जिससे कोचिंग संचालक और उसके भाई जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद इस इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। दरअसल अपेक्स नामक कोचिंग संस्थान में चार लड़के 2-3 दिन पूर्व एडमिशन के लिए आए थे और उस दौरान इन लोगों ने छात्राओं के साथ बदतमीजी की थी। उसके बाद कोचिंग संचालक द्वारा उसका एडमिशन नहीं लिया गया, जिससे आक्रोशित होकर के आज वही छात्र 40-50 की संख्या में कोचिंग पहुंचे और पहले मारपीट की, उसके बाद रोड़ेबाजी करते हुए कोचिंग संचालक के ऊपर बम मार दिया, जिससे कोचिंग संचालक अनीश कुमार और उनके भाई दोनों जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर लहेरी थाना पुलिस पहुंची और घायलों को बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद आसपास के कोचिंग संचालकों में दहशत का माहौल कायम हो गया है और सभी कोचिंग संचालक अपने अपने कोचिंग को बंद कर भाग निकले। हम लोग कोचिंग चला रहे हैं, नया बैच दिए हैं, कुछ उसमें बच्चा जो धांधली किया है ना, वो अनाप शनाप सब कुछ टीचर के साथ मिसबिहेवियर किया, उसके बाद है जो कि हम लोग ने उसके निकालने के बाद 1 घंटा के बाद आया और 50 लड़के लेकर के, और उसके बाद सारे ने मिल करके उस एक दो लड़का था उससे झगड़ा झंझट करने लगा, उसके बाद दो को बम मार करके एक मेरे ऊपर एक मेरे भाई के ऊपर चला गया। कौन सा कोचिंग है? आप एक्स क्लासेज कहाँ पर है? नाला रोड मछली मार्केट, वो जो बिल्डिंग बाजे उसमें। हाँ क्या नाम है आपका? अनीश कुमार। कोई विवाद था क्या? कोई विवाद नहीं था, बैच दिए नया, उसी के लिए हुआ। हाँ नया बैच है, उसमें कुछ क्रिमिनल टाइप के लड़के हैं, चार उसको हम निकाले हैं, वो इसी के बाद में ये इस टाइप से हुआ। नाला रोड। हाँ क्या नाम हुआ? मेरे भाई है नीतीश कुमार, निशांत नाम है मेरा, अनीश नाम। फायरिंग किया, फायरिंग कर दिया तुरंत। हाँ ये लड़का वही फायरिंग किया। हाँ 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 उसी में पिटा जाता। हाँ 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 ये गोली लोड कर रहा था। हाँ उसी में गिर गया ना, उसी में मार दिया। हाँ उसी में मार दिया। 288 मारा, चाहता तो मार सकता। अगर पिछले लेके मारा गोली तो लोगों को भाग चल गया, गोली मार कर देखो। हाँ चाहता तो मार सकता, यही मारा गोली, यही छोड़वा। हाँ ये पीना वाला तार के पेड़ पे पास में, तार के पेड़ तरह ही मारा। हाँ वो जा रहा है। हाँ देखिए किधर भागा है आपका। हाँ सीधे बायां साइड शिवपुरी मोहल्ला तेने भागा है। हाँ उधर का है। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जहां बदमाशों ने कोचिंग संचालक के ऊपर बम मार दिया है और उस एरिया में जितने भी कोचिंग संचालक है सब दहशत में हैं और सभी ने अपना अपना कोचिंग बंद कर दिया है। तो ये बड़ी खबर नालंदा जिले से निकल कर सामने आई है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।